नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मैदा से मठरी। ये हमने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है और यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च और मैगी मसाला, यहाँ पे लिया है हमने अजवाइन और ये सूखी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत ही टेस्टी लगती है मठरी में। ये लिया है हमने थोड़ा सा नमक और ये 2 बड़े चम्मच ऑयल। इधर हमने रखा है गैस पे पानी गर्म होने, क्योंकि ठंड का मौसम है तो आटा गर्म पानी से लगाना है। आटे में हमने बचा हुआ ऑयल डाल दिया है, मैगी मसाला, काली मिर्च कुटी हुई और यहाँ पे अजवाइन ली है जो हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और मठरी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इधर हम डाल देंगे नमक, कसूरी मेथी लेंगे और उसको भी क्रश करके डालेंगे। सर्दी के मौसम में चाय के साथ मठरी हो तो चाय का टेस्ट भी दुगना हो जाता है। इधर हम सारी चीज़ें मिलाकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके आटा लगाएंगे। पानी ध्यान रखिए, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एक साथ पानी डालेंगे तो बैटर पतला हो सकता है, जो कि हमें थोड़ा सा टाइट बैटर रखना है। जैसे कि हम घर में पूरी बनाते हैं उसका आटा हम थोड़ा सा हार्ड लगाते हैं, वैसे ही आटा हमें गूंथकर तैयार करना है। आटा हम 5 मिनट तक थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐसे ही इसको मसलते रहेंगे और आटा अच्छा सॉफ्ट और चिकना हो जाएगा। ऐसे ही 5 मिनट हम इसको गूंथ लेंगे। अगर लगे आपको कि पानी कम है तो थोड़ा सा और डाल के आप फिर से इसको अच्छी तरह से मसल सकते हैं। मसल मसल कर आप देखेंगे 5 मिनट में ही आटा बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए आटा बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको आटे पे लगा के थोड़ी देर और मसलेंगे, ताकि आटा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बने, ताकि मठरी बहुत ही सॉफ्ट और कुरकुरी बन के तैयार हो। ये मठरी का आटा हमारा लगभग बन के तैयार हो चुका है। इसको हम साइड में दूसरे बर्तन में अच्छे से कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, मठरी हमारी अच्छी सॉफ्ट और कुरकुरी बनेगी। आटा ढक के रखना है, क्योंकि अगर आटा हम खुला छोड़ देंगे तो आटा सख्त हो जाएगा और मठरी आसानी से नहीं बन पाएगी। ये देखिए 20 मिनट हो चुकी है, आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और अच्छा हो गया है, बिल्कुल मुलायम और चिकना भी है। इसको थोड़ी सी देर मठरी बनाने से पहले, क्योंकि हमने रेस्ट पे छोड़ा था, तो थोड़ी सी देर और मसल लेंगे और आटा बढ़िया तैयार हो जाएगा। इधर आटा बनके तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आटे को हाफ़ डिवाइड कर लेंगे, आधा अलग रख देंगे और आधा ले लेंगे। आधे आटे को हम थोड़ा सा लंबाई में इस तरह से करके बाकी आटे को हम अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे, ताकि वो आटा ठंडा ना हो और थोड़ा कैड़ा ना हो जाए। मठरी आप अपने हिसाब से आटे की लोइयां तोड़ सकते हैं। आपको मठरी छोटी छोटी पसंद है, बड़ी बड़ी पसंद है, जैसे भी आप खाना पसंद करें आप वैसे ही बड़ी छोटी लोइयां तोड़ सकते हैं। सारी लोइयां तोड़ के एक साइड रख लेंगे। लोइयां हमारी लगभग बन गई हैं सारी। अब इधर चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हमने रखी है गैस और गैस का फ्लेम हमने थोड़ा सा तेज रखा है और हमने गैस पे कढ़ाई रख के तेल डाल दिया है। थोड़ी देर हम गैस की फ्लेम तेज रखेंगे जब तक तेल गर्म होगा। उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम लो रखेंगे, क्योंकि मठरी जो है तेज आँच पर जल जाएंगी, उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। मठरी हम धीमी धीमी गैस पे सेकेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार की मठरी को बनाने में, सिकने में लगभग 5 से 7 मिनट लग जाएंगे।
जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम सारी लोइयां अपनी अच्छे से हाथों से थोड़ा सा इसको दबा के सारी एक साइड रख लेंगे। मठरी सारी पेड़े तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको बेल लेते हैं। मठरी हम ज़्यादा पतली नहीं बेलेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पतली बेलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। थोड़ा सा साइज मोटा रखना, देखिए इस तरह से थोड़ी मोटी रोटी बनाते हैं जैसे, उस तरह से हम सारी मठरी बेलकर एक साइड रख लेंगे। ये हमारी मठरी सारी बेलकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम मठरी को लेंगे और उसमें फोर्क की हेल्प से या चाकू की हेल्प से उसमें दोनों साइड छेद कर देंगे। छेद इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम छेद नहीं करेंगे तो मठरी सारी फूल जाएंगी और नरम हो जाएंगी। हमें मठरी नरम नहीं, कुरकुरी और खस्ता बनानी है, इसलिए हम उसमें छेद करेंगे। इधर तेल गरम हो चुका है तो हम अपनी सारी मठरियाँ एक एक करके जितनी ऑयल में आ सकती हैं लगभग 8-10 हम एक साथ फ्राई कर सकते हैं। धीमी गैस पे उन्हें धीरे धीरे पकने देंगे, अच्छा गोल्डन कलर आने तक अलटते पलटते हुए उनको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। देखिए मठरी का कलर कितना प्यारा अच्छा आ रहा है, देखने में ही मठरी इतनी सुंदर लग रही है तो खाने में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। मठरी को ऐसे ही अलटते पलटते हुए जब तक अच्छी तरह से नहीं सिक जाती हम इनको बराबर धीमी गैस पे सेकते रहेंगे। बीच में हमने दिखाया भी है कि जैसे गैस का फ्लेम कितना रखना है, बहुत ना ही तो ज़्यादा रखना है ना ही कम रखना है। अब ये लगभग तैयार हो चुकी हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। इधर हम दूसरी आटे को लेंगे और अगर आपको लग रहा है हाथ से थोड़ी मठरी का साइज छोटा बड़ा हो रहा है तो चाकू से आप काट के आटे को, इक्वली आटा कटेगा उससे तो इक्वली हमारी मठरी बनेगी, कोई छोटी कोई बड़ी कोई मोटी ऐसी नहीं बनेगी, इक्वली बनेगी। इधर देखिए मठरी बनकर तैयार हो चुकी है, चलिए इनको निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिए बाउल में, ये देखिए वाओ कितना अच्छा कलर आया है और देखते ही खाने का मन कर रहा है। ये देखिए तोड़ के दिखाते कितनी खस्ता बनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।